कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पंजाब के परिवहन विभाग को जो नुकसान हुआ अब उसकी जांच करवाई जाएगी। विधानसभा के अंदर और बाहर नवजोत सिंह सिद्धू अकाली दल पर तीखे हमले कर रहे हैं, खासकर प्रदेश में सक्रिय ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सख्त रवैये के बाद नवजोत सिंह सिद्धू शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर सीधे हमले कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल किया कि अकाली दल ने आखिर पिछले 10 सालों में 2 से 650 बसें कैसे बना ली। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धू ने सुखबीर बादल की 3 ट्रांसपोर्ट कंपनियों से 8 कंपनियों तक पहुंचने को लेकर भी सवाल खड़े किए। नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट माफिया की वजह से पीआरटीसी को 350 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्ट माफिया पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही नई ट्रांसपोर्ट नीति लेकर आ रही है। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 650 ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 650 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੱਖੀ। ਜਾਇਜ਼ ਬੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। सरकार के रेवेन्यू को जो लूटा है इन्होंने, चाहे वो रेते के अंदर इन्होंने लूटा अकालियों ने, चाहे वो इलीगल बसेस चला के लूटा, चाहे वो केबल कम्युनिकेशंस को लेके लूटा, हर एक कब्जे को खाली करवाया जाएगा, फर्जीवाड़ा खत्म होगा, नई पॉलिसी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आ जाए, उसमें सब इस किस्म के जो इलीगल बसेस चल रही है उनको रोका जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर विजिलेंस को जांच के हुक्म दिए थे, जिसके बाद रिपोर्ट में ये सामने आया था कि प्रदेश में करीब 450 बसें गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया पर नकेल कसना कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, इसीलिए प्रदेश सरकार अब इस पर पूरी तरह से सख्त हो गई है। तरन तारण से अजय महाजन के साथ तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाना। मजीठा हलके में सियासी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए कि शुगर मिलों के जरिए उन्होंने 900 करोड़ से ज्यादा का घपला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की SIT जांच की मांग की। लाली मजीठिया के मुताबिक 8 सहकारी चीनी मिलों को को जनरेशन के तहत बिजली प्लांट लगाने थे, जिनके लिए साल 2008 में शुगर फेड ने टेंडर निकाले। तब 4 शुगर मिलों का ठेका मेसर्स सरैया इंडस्ट्री लिमिटेड और 4 मिलों का ठेका A2Z कंपनी को मिला। सरैया इंडस्ट्री को नवाशहर, अजनाला, बटाला और गुरदासपुर शुगर मिल का ठेका मिला और A2Z कंपनी को मोरिंडा, बूढ़ेवाल, नकूदर और फाजिलका शुगर मिल में बिजली प्लांट लगाने का ठेका मिला। लेकिन सरैया इंडस्ट्री ने सिर्फ नवाशहर शुगर मिल में प्लांट लगाया, वो भी पूरा नहीं हुआ। उधर अकाली दल ने लाली मजीठिया के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਡ ਆ 915 ਕਰੋੜ ਦਾ, 1500 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰਮ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।